हेलो, गुड आफ्टरनून. नमस्कार. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाय फर्स्ट स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी. चलिए, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत. आज का जो टॉपिक है वो आप टॉपिक देख सकते हो. क्या है टॉपिक? दैट इज़ एनसीईआरटी ऑफ साइंस. एक्चुअली क्या हो रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे आप लोगों की डिमांड चल रही थी कि मैम एक बार से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दीजिए. तो ये जो पर्टिकुलर सेशन आपका रहेगा वो एनसीईआरटी के बेसिस पे रहने वाला है. चलो एक बार से लाइव हो जाए सेशन, उसके बाद में करते हैं क्लास की शुरुआत. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून. आदम का गुड मॉर्निंग चालू है. गुड मॉर्निंग वाला मतलब अलग ही सीन चल रहा होता है. चलिए, अच्छा तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे. आई होप कि सभी लोगों ने सेशन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया होगा. वेल, एक चीज़ आपको और बता दें, आप ये मत सोचिएगा कि एसएससी की एनालिसिस नहीं होगी. एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़ा सा मिल जाएं तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कल उसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर इन केस क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग परसों उसको डिस्कस कर लेंगे. तो दोनों दिनों के मिला के डिस्कस हो जाएंगे. ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. सभी लोग आ ही चुके हैं. देवी राम, अली, अनिल, रिंकी, खुशी देखो इसकी है. बबली, हाउ वाज योर पेपर? पेपर तो यार हलवा आया था. क्वेश्चन तो मुझे अभी मिल गए हैं थोड़े से. पेपर इज सो ईजी, है ना. पंकज, वर्षा, पूजा, सूरजमल, लोकेश, क्लास कितने देर की होगी? लोकेश का सवाल. दो बच्चे हैं मेरे क्लास के अंदर, दो स्टूडेंट्स आते हैं हमेशा. उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्लास कितने देर तक की होगी. कॉन्सेंट्रेशन इस पे नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पे है मैम क्लास कितने देर की होगी. चलो आधे घंटे की क्लास होगी और करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत. एंड सबसे पहला जो टॉपिक है, ठीक है, रेडी टू फाइट. सुभाष, एग्जैक्टली रेडी टू फाइट, तो ऐसा लग रहा है बागी बन गया है. चलो तो करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की शुरुआत. ये ध्यान रखिएगा, आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास सिक्स और सेवन की, ये आपके दो पार्ट में रहेगी. आज है पार्ट वन, कल रहेगा आपका पार्ट टू, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे. इसके अलावा आपका जो स्पेशल क्लास चल रहा है 10:30 बजे, इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं 2019-20 के. सो बी लाइव इन द सेशन, जो कि रहता है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में. ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है. इंदु, रोहित, खुशी देखो जरा, रोहिणी की गुड नाइट मैम. अरे ग्रेट हो, कहते ना ग्रेटनेस जो है वो ऐसे ऐसे झलक रही है. चलिए पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है. विच ह्यूमन ऑर्गन इज एन इम्पॉर्टेंट क्लू इन इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्सन्स डेथ दैट हैज बीन ड्यू टू द पॉइजन इन द फूड. यानी कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो उसकी बॉडी का कौन सा ऐसा भाग होगा जिसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, और ह्यूमन ऑर्गन आपसे पूछा गया. आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा. नमस्ते तरुण, विभूति, कृति, ठीक है, निर्मित, ओके. चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से. सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है. फूड पॉइजनिंग पूछा गया है, तो बॉडी का कौन सा हिस्सा होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा. लिवर इज द राइट आंसर. देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हो, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो फैटी एसिड्स के साथ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, होता है कि नहीं होता है. तो इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो क्या होता है, लिवर होता है, राइट. क्या आप मुझे ये बता सकते हो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे आओ. हलवा क्वेश्चन है ना, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है. ऋषभ, लिवर, करेक्ट. अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. विच इज फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर. मान लीजिए कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अगर कराया जा रहा है तो इसमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मिलना. एक होता है फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजिव होना, है ना. आंसर करके बताओ. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है ना. शशांक क्या हो गया इसका, यार इसका एडमिट कार्ड रह गया, ये धोखा हो गया इसके साथ में. चलो इसका आंसर करो. ठीक है ठीक है, ओके. एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर पक्का. मुकेश, राहुल, रोहित, मनीष, ठीक है. देखो इसका आंसर क्या है, एक्सेलरेटर. अरे एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करना, किसी भी चीज़ को फास्टन अप करना. तो उसका न्यूक्लियर फिजन से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द बोट. यानी कि जो नाव बनाई जाती है ना, जब नाव को बनाया जाता है तो इसमें से कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब वो सी वाटर में जाए तो वहाँ पे किसी भी तरीके से क्या ना हो, कोरोड ना हो. आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर
पटाख से। देखिए भैया इसका आंसर कौन करेगा। ठीक है रोहित, तुम लवली प्रिंस के पीछे ही पड़े रहना, है ना। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि जो जापान है वो क्या करने जा रहा है, जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो क्या करेगा, पैसिफिक ओशन में रिलीज करेगा। पढ़ाया था ना, उसी समय पर मैंने आपको टाइटेनियम के बारे में भी बताया था, और टाइटेनियम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है उस फॉर्म में पूछा जाए, हो सकता है आपसे इस फॉर्म में पूछा जाए, ठीक है। ये देखिए टाइटेनियम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉरोजन, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा है जिसके बारे में सेल थ्योरी में नहीं लिखा गया। आंसर क्या है, कमाल सिंह, नहीं कमल सिंह, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ जी इसका आंसर बताओ। आ, आ, आ। खुशी देखो बबली की, मैम मेरे पेपर में इकोनॉमिक्स नहीं आया था तो आई एम वेरी हैप्पी। अरे वाह भैया, चलिए इसका आंसर बताइए। सेल थ्योरी के अंदर इसमें से किस चीज के बारे में बात नहीं करी गई है, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस के बारे में कोई भी बातें नहीं करी गई हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन याद रखिएगा ये एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मुझे ये बताओ कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, गलत मत करना, अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था, आंसर करके बताइए। फटाक से इसका आंसर मारो क्या बनेगा। चलो यहाँ पे देखिएगा, द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये तो सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, राइट। लेकिन जब हम वायरसेस की बात करते हैं ये क्या होते हैं, एकैरियोटिक होते हैं। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन वायरस में आपको कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। और ये तो आप जानते ही हैं, जब कोरोना की बात आएगी तो हो सकता है सवाल आपसे पूछा जाए कि ये एयरबॉर्न है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कोविड इज एयरबॉर्न, इसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ठीक है ना। अरे वाह आंसर कर लिए श्वान, श्वान तो ऐसे कर रहे हो, सो तुम्हारे पड़ोसी पड़ोसी हूँ। अगला सवाल, एंटीजन प्रोटीन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्लड, आपसे पूछा जा रहा है। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, है ना। अब सवाल में कहा जा रहा है कि जो एंटीजन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। देखिए एंटीबॉडी तो हम सभी लोग जानते हैं WBC में पाया जाता है ना। प्लाज्मा की बात करोगे तो आपको मालूम है कि प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसको इंसर्ट किया जाता है, ये इसी का पार्ट होता है। लेकिन एंटीजन कहाँ मिलेगा ये बताओ। अपूर्वा क्लास आने के आदमी पे बेटा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि NCERT है ना, तो ये NCERT मैंने सोचा कि किसी का क्लास मिस ना हो इसलिए इसको यहाँ पे किया, राइट। तो अभी 2 दिन सिर्फ यहाँ पे NCERT खत्म करा लें, फिर अपने टाइम पे अन अकेडमी पे वापस आ जाएंगे, ओके। चलो इसका आंसर क्या होगा, RBC, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, कई बार होता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पे बनती है, आप बोलोगे WBC के अंदर बनती है। फिर पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन के ऊपर सवाल RBC में ज़्यादा पूछा जाता है, WBC में नहीं आता, ठीक है। तो आप आंसर मार्क कर लोगे। फिर आपसे कहा जाता है अच्छा ये बताओ कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन के बॉडी में अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है, देखो जो सिचुएशन अभी रियल टाइम में चल रही है आपको उसको साथ में जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी को ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, या तो आपके सपोज करो ब्रेन में जाके ब्लड क्लॉट हो गया, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि विटामिन के ऊपर अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, तो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस लिख भी दिया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगला, मार्क द रॉन्ग पेयर, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि रॉन्ग पेयर है। बिल्कुल सही है, WBC में 5 to 6 days होता है, RBC पूछा जाएगा तो 120 days होगा, ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा गलत है। गीतांजलि, अब यही और बचा हुआ है मेरे पास, है चलो अच्छा इसका आंसर करिए भाई। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। अब कहेंगे मैम आपने भाई बोल दिया है, अब कैसे सेशन को लाइक और शेयर करें मैम, ये तो गलत बात हो गई है ना, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। देखो जेम्स वॉट, सब लोग को पता है स्टेम इंजन, सब जानते हैं। दूसरा लिखा हुआ है मैडम क्यूरी डायनामाइट, अगर मैडम क्यूरी ने डायनामाइट बनाया है तो अल्फ्रेड नोबल क्या करेंगे, सोचा है इसके बारे में। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग पेयर पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। देखिए रेडियो एक्टिविटी की बात करोगे अलग कहानी हो गई, और डायनामाइट की बात करोगे तो ये अल्फ्रेड नोबल हो गए। जो ये नोबल प्राइजेस दिए जाते हैं किसके अंदर, छह कैटेगरी के अंदर जो मिलते हैं, इसमें से जो लेटेस्ट वाला है वो किस में है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और डायनामाइट इन्होंने इन्वेंट किया था, इसी के चलते तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने इसकी शुरुआत कराई, इन अवार्ड्स की शुरुआत कराई। ठीक है, अगला सवाल, विच वायरस कॉजेज द चिकन पॉक्स। आपको मालूम है कि जो चिकन पॉक्स है ये भी एयरबॉर्न होता है, जानते ही आप इसके बारे में। अब आप ये बताइए कि ये किसकी वजह से होता है। आंसर पांच पांच ये कर दिया, अरे 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ, कह रहा है देखो रोहित, एक्चुअली ये जो वैक्सीन बताई गई है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी इसको ज़्यादा कंपनीज जो है ना वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं। और आपको मज़ेदार बात तो सुनने में अब आएगी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं क्लास शुरू करने वाली थी उसके 5 मिनट पहले, अमित शाह जी दी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनका एक स्टेटमेंट आया। ठीक है, स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। इंडिया के अंदर अभी जो सिचुएशन चल रही है, दिस सिचुएशन इज नॉट इक्वल टू द सिचुएशन ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन। बात समझे, मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि हमारे देश की जो अभी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गजब है। खैर चलिए, जब होम मिनिस्टर ऐसा कहेंगे तो फिर क्या हो सकता है। वेल, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो रुबेला वायरस की तो बात ही अलग हो गई। रेबीज याद है तुमको, मैंने बताया था कि यूपी में लगवाने गए थे कोरोना का वैक्सीन, लगा दिया गया था रेबीज, तो आगे आप समझ ही गए होंगे कि कुत्ते के काटने में जो इंजेक्शन लगता है वो कौन सा है, रेबीज है। ठीक है, रुबेला और मीजल्स की अगर बात करी जाए तो ये ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष नाम की जो योजना भारत के अंदर काम करती है उसके अंदर रुबेला भी आता है और साथ ही साथ मीजल्स भी आता है, दोनों ही आपको यहाँ पे मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा अब आते हैं अगली वाली क्वेश्चन पे। बताओ क्या पूछा गया, विच विटामिन इज फाउंड इन द सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर जो ऑयल होता है इसमें क्या पाया जाता है ना, जोक मारा है ना, मेरे को भी कुछ ऐसे ही फील आया। और आपको बता दें कि 23rd ऑफ अप्रैल को एक ग्रैंड रैली भी है, तो भैया थोड़ा बच के रहिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, कोई आपके लिए यहाँ पर नहीं आएगा, आपको खुद से ही यहाँ पर सेफ रहना पड़ेगा, बस ये चीज़ ध्यान से समझ के करिएगा। देखिए अच्छा बिल्कुल सही है। हाँ देखो एक पॉइंट समझना, कई बार सवाल में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जब हम वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, अगर हाँ तो थम अप करिएगा, ना तो थम डाउन करिएगा, ठीक है बता देना। ओके, सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो इसमें विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। अब कोरोना काल में जो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, विटामिन सी की है। किसकी है, विटामिन सी की। तो भैया ऑरेंजेस खाइए, ग्रेप्स खाइए, नींबू पानी पीजिए, लेकिन चीनी मत घोल के पी लेना, चीनी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है चीनी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए वो देखो मास वास लगा के आंसर कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, विटामिन ई एंड, ठीक है करेक्ट, बी सी जो होता है इसके अंदर होता है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके भूमि, थैंक यू। अगला सवाल देखो, हु इन्वेंटेड द पीएच वैल्यू मीटर। पीएच वैल्यू जो कैलकुलेट करी जाती है ना, इसका एक मीटर डेवलप किया गया। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इस मीटर को किसके द्वारा डेवलप किया गया। देखिए पीएच में क्या होता है, ये 7 है यानी कि न्यूट्रल है, इससे कम होगा तो एसिडिक है, इससे ज्यादा होगा तो बेसिक होता है, राइट। कई बार पूछा जाता है कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, आपको दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब आंसर करो, आर्मी नहीं, एमी शर्मा, हेलो मैम मारो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, नाराज है क्या। अरे नहीं भाई, तुम इतना राजस्थानी बोलोगी तो फिर राजस्थान आना पड़ जाएगा हम, हाँ, और राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना भी चल रहा है, तो थोड़ा सा रहम करो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठाकुर जी बिल्कुल सही है, नेहा गोरखपुर करेक्ट, सिड राइट, मनोज गुड। चलिए अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनके द्वारा पीएच के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो 1909 में बनाया गया था, और ये कहाँ के थे, तो ये डैनिश के थे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो पूरी वैल्यू होती है वो आप देख सकते हो कि पीएच की वैल्यू की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 14। कई बार ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है, ये पी स्मॉल होगा, ठीक है। चलिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है, अब सुनना ध्यान से। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि न्यूट्रल है, और ऑप्शन में आपको दिया जाता है क्या,
डिस्टिल्ड वाटर। ये ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अक्षय नहीं अक्षय, ये क्लास यहाँ पर डेली नहीं है, यहाँ पे क्लास आपका सिर्फ आज होगा और कल होगा। इसके बाद में दोपहर में 2 बजे का जो आपका क्लास है वो वापस से अनअकैडमी पे स्पेशल कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, अगला बताइए डॉल्फिन क्या होती है। देख रहे हो क्लास 6 और 7 की अगर एनसीईआरटी बचपन में पढ़ी होती तो ये हालत ना होती। आंसर करो, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नया थ्योरी का क्लासेस भी स्टार्ट होगा बेटा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपके जो एग्जाम्स हैं उनसे पहले ये क्लासेस आपके हो जाएं। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा भैया, मैमल होगा। क्या होगा? मैमल, डॉल्फिन पूछी गई थी। अब हो सकता है आपसे लिख के पूछ लिया जाए गैंगेटिक डॉल्फिन, तब आंसर क्या करोगे, सेम आंसर करोगे। अच्छा, गैंगेटिक डॉल्फिन की क्या आईज होती हैं? नहीं, उसकी आईज नहीं होती, उसकी झील से नीली आंखें नहीं होती हैं, एक्चुअली आईज होती हैं बट उनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि ये IUCN की लिस्ट में किस में आती है, इनडेंजर कैटेगरी में भी आती है। कहाँ मिलेगी ये ध्यान रखना, गंगा नदी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। देखो अगला सवाल क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, यानी कि जो फ्लोरेसेंट आपने देखा हो ना बल्ब होते हैं या ट्यूबलाइट्स होती हैं, उसके अंदर इसमें से किस चीज का इस्तेमाल, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आंसर करो। करेक्ट है, जीडी का नोटिफिकेशन बेटा मुझे नहीं पता, जिस दिन भी आएगा डेफिनेटली आई विल शेयर दैट। ठीक है ना, आई विल शेयर दैट। गाइस सेशन को प्लीज एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा, लाइक कर दिया करो यार, कहना पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, मर्करी एंड आर्गन, सिंपली आपको ये याद रखना है। अब सुनो क्या होता है, जो बल्ब होते हैं ना बल्ब, आप उनके घर में लगे होंगे, कहेंगे नहीं मैम हमारे घर में LED लाइट लगी हुई है। अरे बल्ब होते हैं ना नॉर्मल वाले, उसके अंदर आपने देखा होगा ना इस तरीके का ऐसे करके बना होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन। ठीक है, जो फिलामेंट होता है ना दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेटल इज एक्सीडेड इन द नेचुरल स्टेट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको यहाँ पे एक्सीड किया जा सकता है नेचुरल सिचुएशन में। आंसर क्या हुआ मोहिनी यादव, क्या बोला बेटा आपने, मैम मॉर्निंग की क्लास में भी 2020 का ऐड कर दे, 2020 का ऐड कर दे, क्यों मॉर्निंग की, बेटा एक बार समझो, एक तो वैसे ही 7 बजे की क्लास में इतना स्टफ हो जाता है, और अगर 2020 का भी कंटेंट मैंने उसमें अगर ऐड करना शुरू किया ना तो भैया बैंड ही बजे जानी है। और आपको याद होगा कि मैंने पूरी एक मैराथन कराई है 2020 की, बस उसको देख लो, उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड होगा, सोना, बस सोना बाबू याद आता है तुमको, सोना जो है ना यानी कि गोल्ड जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। या आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दीज आर द एलिमेंट्स जो यहाँ पर हो सकते हैं। अगला, फाइबर ऑप्टिकल्स कम्युनिकेशन अ सिग्नल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि मान लो अभी कुछ टाइम पहले बोला गया था ना हर घर के अंदर फाइबर का कनेक्शन होगा, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन होगा, जिससे क्या होगा प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, डिजिटलाइजेशन होगा। अब सवाल में कहा जा रहा है कि अगर ये फाइबर्स होंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ कि ये जो सिग्नल्स हैं ये किस फॉर्म में ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, आंसर बताओ। या UPSC का एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये योगी बाबा बता सकते हैं, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी किसी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा। जब तक देखो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरुण है MP कब आओगे भैया, मतलब चाहते हो कि भगवान बुलाई ले हमको, है पूरी पूरी तैयारी में हो? नहीं भैया हमें अभी कहीं नहीं आना है, बट हाँ जैसे ही कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू होगा। देखो एक बात समझना, कभी भी बुरा वक्त या अच्छा वक्त हर समय के लिए नहीं होता है। अभी अर्थ अपने आप को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर रही है, समय लग रहा है, हो सकता है 3-4 महीने तक ये सिचुएशन रहेगी, लेकिन उसके बाद में एक समय के बाद में वो समय भी आएगा जब ये सब चीज़ें क्या होंगी, आराम से नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, I am joined with you. ओके थैंक यू। इसका आंसर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक वेव, करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताओ जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस तरीके की वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं वो किस तरीके की वेव्स होती हैं, जरा हम भी तो जाने कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। अच्छा देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर की हम बात कर रहे थे, हर घर फाइबर वाली जो स्कीम है ना आपको याद आ रहा होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से करी गई है, बिहार से इसकी शुरुआत करी गई। उसके बाद में भारत सरकार ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश सॉरी ये
आपका अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है इसको चेन्नई के साथ में कनेक्टिविटी भी देंगे। और नरेंद्र अंकल याद हैं आपको, जिनकी डेथ हुई थी, उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्या, ऑप्टिकल फाइबर्स। याद रखिएगा, उनकी डेथ जब हुई थी तो मैंने ये न्यूज़ आपको पढ़ाई थी, ठीक है। चले, वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन, अरे प्रभु ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हमारे तो बस की बात ना है, हैं? करेक्ट 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 करेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल, ए माइक्रोवेव नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोवेव बता रहा है। अगला, मैमल्स रेस्पायर बाय विच ऑफ द ऑर्गन, जो मैमल्स होते हैं वो इसमें से किससे रेस्पायर करते हैं। अरे भैया ये क्या है, दिस इज फॉर फिशेस, आपको मालूम ही है। आप बताओ, स्किन है, लंग्स है, या फिर ट्राकिया है। देखो फ्रॉग के केस पे दो चीज़ें होती हैं, वन एंड टू, अब बताओ आंसर करो। आशीष पांडा, ये तुम पांडा वाला नाम क्यों रखे हो, अरे आई हैव, अरे आज पांडा वाला कप नहीं, आज दूसरा वाला कप है। इसका आंसर बताओ। सनफ्लावर ऑयल में कुछ नहीं होता है, ये सब धोखा है, वहम है। तो जो भी चीजें आप खा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके खाएं। इसका आंसर क्या बनेगा, लंग्स इसका आंसर बनेगा। और ध्यान रखिएगा कि अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें जो सबसे पहले जो फेलियर हो रहा है वो यही हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, समझ गए। चलो अच्छा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैमल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लंग्स होगा, और बाकी अगर आप अदर एनिमल्स की बात करोगे लाइक आपका अर्थ वॉर्म हो गया, एम्फीबियंस हो गया, तो ये क्या होगा, स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अ फ्यूज वायर हैज, अगर मान लो कि एक फ्यूज वायर है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, आंसर। अच्छा मैंने गलत टिक किया है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने उसको गलत मार्क कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सही कर लेंगे हम लोग, ठीक, टेंशन ना लो। वो कई बार हो जाता है, भूल गए हमारी टीम और मरीजों आना, याद है ना तुम लोगों को, बस वही वाली सिचुएशन है। ओके ठीक है ठीक है, राइट, ये तो लंग्स हो गया, फाइन, ये तो आंसर कर लिया हम लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा, देखो अगर मान लो कि कोई फ्यूज वायर है, जैसे कि कई बार होता है ना कि जैसे कि फेज उड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो फ्यूज उड़ गया, ऐसा कहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, आई होप कि आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब ये मत कहना कि मैम क्लास ट्वेल्थ के टाइम पे कोरोना हो रहा था पूरे इंडिया के अंदर तो हमें ग्रेडिंग सिस्टम मिला था और ऐसे ही पास कर दिया गया था, ये मत बोलना, ठीक है। चलो अगला बताओ, अ नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। हा, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट, ठीक, अब बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ें नॉर्मल तो करो पहले, उसके बाद में ही तो कहीं पे घूमने वूमने का हो सकता है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेडॉन। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार जब हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ग्रुप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कॉलम्स के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी एलिमेंट्स की पोजीशन पूछ ली जाती है। नोबल गैसेस जो हैं वो कहाँ हैं, 18 में है। नोबल गैसेस में मैंने आपको बताया था क्या, कुछ याद है, हीना और करीना का जो एक्सरे था वो कैसा था, रंगीन था। तो वो जो सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाया था उसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द येलो स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ह्यूमन आई के अंदर जो येलो स्पॉट होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ह्यूमन आई में क्या होता है, दो चीज़ें आपको याद रखनी, एक होता है हाइपर मायोपिया, एक होता है मायोपिया। इनके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को दोनों में से कोई एक चीज़ है तो कौन से वाले लेंसेस का इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए। तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं उस पर प्लीज़ चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, करेक्ट कह रहे हो, इसका आंसर बताओ। एग्जाम देने जाए कि ना जाए, देखो अगर सेंटर पास में है ठीक है तब तो आप अपने कन्वेंस से चले जाओ, लेकिन अगर सेंटर बहुत दूर है, सिचुएशन प्रॉपर नहीं है तो भाई मत जाओ, हम तो यही कहेंगे, है ना, जान है तो जहान है, सिंपल सी बात है। क्लियर इमेज होगा, क्या बता रहे हो, कैटरेट बता रहे हो, हाय कैटरेट हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सोच लो आंसर क्या होगा, ग्लूकोमा बता दिया है, अरे वाह वाह वाह, करीमत है। अनीश बिल्कुल सही है, ओके ठीक है। अरे पांडा बहुत क्यूट होता है, मालूम नहीं है तुम लोगों को, कैटरेक्ट कैटरेक्ट होगा, सोच लो एक बार से, कैटरेक्ट कैटरेक्ट, क्लियर इमेज नहीं होगी,
अरे भैया इसका आंसर क्या है, कैटरेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है, कैटरेक्ट है, ये आंसर गलत मार्क है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस चीज़ की बात करेंगे तो ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और यहीं से जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है ये पूछा गया, तो भैया रेटिना याद रखना। कई बार ये होता है कि हमारी आईज में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जब आप लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो क्या करते थे, प्रेयर में खड़े होकर ऐसे ही आईज में आईज क्लीन करते थे ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं पढ़ा चुके हैं, बस इसको रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कौन से टाइप का ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। नॉट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा नॉट लिखा है, ठीक है। नहीं भैया हमने वैक्सीनाइजेशन प्रोसेस नहीं करवाया है, बिल्कुल भी नहीं। देवाशीष हाँ क्या हुआ बताओ। गाइज जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स नोएडा में रहते हैं, और अगर आपका एग्जामिनेशन है तो नोएडा में तो देखो अभी एज सच कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, बट हाँ दिल्ली के अंदर किया गया है, लेकिन दिल्ली में पेपर कैंसिल नहीं किए गए। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने चेक किया हो तो। अब बताओ कपिल क्या बताना है यार मैथ्स की क्लास का, बताना है क्या इसमें। बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर, वॉशिंग सोडा बता रहा है, बेकिंग सोडा। और ये ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कई बार इसका ये वाला नाम भी लिख के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका नॉर्मल नाम क्या है, आप सिंपली आंसर कर सकते हो व्हाट, बेकिंग सोडा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। इसमें से सबसे घटिया टाइप का थर्मल कंडक्टर कौन सा होता है। थर्मल समझते हो टेम्परेचर, टेम्परेचर समझते हो हीट प्रोसेस, यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेगा। आंसर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है करेक्ट। एक तो हमारे बच्चे ऐसे ही क्लास चल रहा है और टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मतलब दिखाई ही नहीं देता है कि क्लास के समय पर मैसेज ना करें, और पढ़ने ही नहीं होता, और जिसे पढ़ना नहीं होता है उसी के साथ में क्या होता है, ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में टाइमली आया करिए ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना, ठीक है। देखिए मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। कोई भी चीज़ है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पूरा पास कर देगी तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर मान लो कि वो थोड़ा बहुत पास करेगी तो वो सेमी कंडक्टर है, और बिल्कुल पास नहीं करेगी तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है, सिंपल है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर, स्पेशली सिल्वर यहाँ से पूछा जाता है, और यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, एयर पूछा जाएगा जो कि क्या है, बैड कंडक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अगला सवाल, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्लैंड्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है। आंसर करो, साइंस इज इजी, टेंशन ना लो, अभी क्लास 6 और 7 की है, इस वाली सीरीज के बाद में 8th और 9th आएगी, समझ गए, तब देखेंगे कि क्या इजी और क्या टफ है, ठीक। इसका आंसर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सुनना, अगर आपसे पूछे सबसे छोटू वाला कौन सा है तो भी यही करोगे, अगर ऑप्शन में पीनियल दिया है तब तो पीनियल मार्क करोगे, लेकिन सपोज आपको ऑप्शन में पीनियल नहीं दिया है तो आप क्या मार्क करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड मार्क करके आएंगे। कहाँ पर है ये, देखो छोटू सा बिल्कुल मटर की तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, नॉट बिगर देन पी। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है। देखो यार जितने क्वेश्चन थे उसके दो पार्ट डिवाइड कर दिए, तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट की और क्लास होगी, ठीक है, मैथ्स पढ़ाएं, शक्ल देखिए मेरी, मैथ्स पढ़ाएं, हमें खुद नहीं आती तुमको हम क्या मैथ्स पढ़ाएंगे। इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर क्या होता है, फिल्ड अप होता है। देखिए आर्गन जो होता है ना वो नॉर्मली यूज होता है किसके अंदर, जितने भी लाइट बल्ब्स आपके होते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बाकी गैसेस के बारे में पूछा जाए तो हीलियम और नाइट्रोजन इनके ऊपर आपसे सवाल बनेगा, अदरवाइज इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सॉल्व किया है पार्ट नंबर वन, और इसका पार्ट नंबर टू कल रहेगा इसी समय पर इसी चैनल पे, राइट। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स मिस मत करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर होता है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। एंड अगर आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक्स, एंड हाउ वाज द सेशन यार, पूछना तो भूल ही गए है ना। अच्छा देखो
अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है चीज़ें, चाहे वो आपके आर ओ के एग्ज़ाम की हो या UPSI हो, SSC हो, NDA है, CDS है, तो आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसका लिंक टेलीग्राम पे भी शेयर है एंड इसके साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। आप वहाँ पर जाके 1 साल या 2 साल के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 10% ऑफ के लिए आपको यूज़ करना है Kruti10। नया बैच स्टार्ट होगा जिसमें आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होता है ये हर संडे को दोपहर में 12 बजे रहता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कब? शाम को एक शॉर्ट वीडियो के साथ में एंड कल सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। कहाँ पर भैया? स्टूडियोज चैनल कहाँ? सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।